भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, युवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे, इंदौर प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज सोमानी सहित धार महू सांसद छतर सिंह दरबार, प्रदेश मंत्री जयदीप सिंह पटेल सहित जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा और भाजपा नेता आज गंधवानी विधानसभा के ग्राम जीराबाद में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए, जहां गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को मिल रही लगातार हार के बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चर्चा की और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मौजूद कार्यकर्ताओं को एकजुटता से काम करने का मंत्र दिया। वहीं पत्रकारों के कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के दावे पर कांग्रेस को ताश के पत्ते का महल बताते हुए बोले कि कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। राहुल गांधी ने किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज माफी सहित बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, क्या हुआ? राजनीति में विश्वास जरूरी है, वह कांग्रेस पर जनता को विश्वास नहीं। वहीं मोदी जी, शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस दौरान कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व छवि और बजरंग बली भक्ति पर बोले कि जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता। कल तक आप हरा झंडा लेकर गोल टोपी लगाकर चलते थे, आज बजरंग बली को सामने लाकर चल रहे हैं। कल और आज का चरित्र क्या है आपका? हम तो शुरू से ही जय जय श्री राम कहते आए हैं, हमारा चरित्र साफ है, जो कहते हैं वह करते हैं। राम मंदिर वहीं बनाने को कहा, बनाया। धारा 370 भी हटाई। इस बार की चिंता नहीं, इसका वोट मिलेगा उसका नहीं। इधर कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में जवाब। अब इसमें विजय भी बता रहे थे कि वहां पर गुंडागिरी होती है, ये होती है, वो होती है। भाई गुंडे के कोई सिंह होते हैं क्या? गुंडे में क्या होते हैं? 4 हाथ होते हैं, 8-10 आंख होती है, क्या बताओ? क्या गुंडा? जिस दिन हम अपने वाली पे आ जाए तो हमसे बड़ा गुंडा कौन है? वाला है। कांग्रेस का दावा कर रही है कि मात्र 55 से 65 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ताश के पत्तों का महल कभी भी मजबूत नहीं रहता, कभी भी भरभरा के गिर जाता है। कांग्रेस ताश के पत्तों का महल, और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास करेगा, क्योंकि पिछली बार उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के घर गए थे कि हम 2 लाख का किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देंगे, किसी एक नौजवान को नहीं मिला। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का अब कोई ऐसा चेहरा बचा हो जो जनता के बीच में जाके कह सके कि आप हम पे विश्वास कीजिए। कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता हैं मोदी जी, शिवराज जी, जिनका जनता में विश्वास, उनकी बात का विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए राजनीति में विश्वास बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है और हम लगभग 150 से ज़्यादा सीटों पर जीत कर सरकार बनाएंगे। सर, कांग्रेस की महासचिव जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो खुद अब 12 जून को जो है वो जबलपुर से शिंगनाथ करने वाली है। सर, अब एक चीज़ ये भी है कि कांग्रेस जो है वो अब बजरंग बली की छवि को लेकर और ईश्वर तुल्य मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा लेकर अब मैदान जंग में, तो किस तरीके का जो है वो इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना, उसका कोई विश्वास नहीं करता। कल तक आप हरा झंडा लेके चलते थे, गोल टोपी लगा के चलते थे, आज बजरंग बली को सामने लेके चलेंगे, तो कल का और आज का चरित्र क्या है आपका? हम तो शुरू से जय जय सियाराम बोल रहे हैं, तो हमारा चरित्र बहुत साफ है। हम जो कहते आए वो करके आए। हमने कहा था कि राम लल्लाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने मंदिर बनाया, हम बना रहे हैं। हमने धारा 370 हटाई, हमें मौका मिला था, तो हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हमें वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसका वोट मिले किसका वोट नहीं मिले, जो देश हित का निर्णय है वो हम करें। बजरंग सेना का विलय हुआ सर, इसको लेकर किस तरीके से? उनकी बनाई हुई सेना थी, उनके ही मंदिर।